हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ मेड बाय यूनिक पब्लिक स्कूल रैया फॉर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर 3 स्वीट होम। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव। हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। ये हमें बारिश, गर्मी और ठंड से बचाता है। हाउस में भी अ कच्चा और पक्का हाउस। हाउस कच्चा भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है। कच्चा हाउस इज अ वीक हाउस। कच्चा हाउस एक कमज़ोर घर होता है। इट इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ये कीचड़ और घास फूस का बना होता है। रेन एंड स्टॉर्म कैन डैमेज इट। बारिश और आंधी तूफान इसे बर्बाद कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन विलेजेस। ये हमें गांव में मिलते हैं। पक्का हाउस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस। पक्का हाउस जो होता है वो एक मजबूत घर होता है। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील। ये सीमेंट, ईंटें और स्टील का बना होता है। रेन एंड स्टॉर्म कैन नॉट डैमेज इट। बारिश और आंधी तूफान इसे बर्बाद नहीं कर सकते। आई लिव इन अ पक्का हाउस। मैं एक पक्के घर में रहता हूँ। फ्लैट्स आर ऑल्सो हाउसेज। फ्लैट्स भी घर होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत होते हैं। मैनी फ्लैट्स आर मेड इन अ टॉल बिल्डिंग। बहुत फ्लैट्स एक लंबी बिल्डिंग में बनाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन बिग सिटीज़। ये हमें बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स। एक घर में कई कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम इज़ यूज्ड फॉर गेस्ट। ड्राइंग रूम क्या होती है? बैठक। बैठक हम किन के लिए यूज़ करते हैं? गेस्ट, जो मेहमान होते हैं। इट हैज़ सोफ़ा सेट एंड मैनी डेकोरेशन पीसेस। इसमें एक सोफ़ा सेट और डेकोरेशन क्या होती है? सजावट की चीज़ें हैं। लॉबी इज़ यूज्ड टू सिट एंड रिलैक्स। लॉबी को हम बैठने तथा आराम करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ मैनी चेयर्स एंड अ टेबल। इसमें बहुत सारी चेयर्स और एक टेबल होता है। आई वॉच टेलीविज़न हेयर। हम यहाँ टेलीविज़न देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग रूम। इसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं। लिविंग रूम मीन्स हम इसे बैठक भी बोल सकते हैं। किचन इज़ यूज टू कुक फूड। किचन रसोई को हम भोजन पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ गैस स्टोव, फ्रिज एंड यूटेंसिल्स। इसमें एक गैस स्टोव, फ्रिज और बर्तन होते हैं। एग्जॉस्ट फैन और चिमनी थ्रोज आउट द स्मोक। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? जो धुएं को बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट फैन और चिमनी धुएं को बाहर निकालती है। डाइनिंग रूम इज़ यूज्ड टू टेक फूड। डाइनिंग रूम को हम किस लिए यूज़ करते हैं? भोजन करने के लिए। इट हैज़ अ डाइनिंग टेबल एंड चेयर। इसमें एक डाइनिंग टेबल होता है और चेयर्स होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं। सम पीपल प्लेस डाइनिंग टेबल इन द लॉबी। कुछ लोग डाइनिंग टेबल को लॉबी में प्लेस करते हैं, लॉबी में रखते हैं। बेडरूम इज़ अ प्लेस टू स्लीप। बेडरूम सोने के लिए जगह होती है। इट हैज़ अ बेड एंड अलमीरा। इसमें बेड्स और अलमारी होती है। वी कीप अवर क्लोथ इन अलमीरा। हम अपने कपड़े अलमीरा में रखते हैं। वी टेक बाथ इन बाथरूम।
बाथरूम में हम नहाते हैं. इट हैज़ अ शावर एंड वॉश बेसिन. इसमें एक शावर और वॉश बेसिन है. वी ब्रश अवर टीथ इन द वॉश बेसिन. हम अपने दांत वॉश बेसिन में साफ करते हैं.